बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, नीट यूजी एग्जाम आज होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दो सेंटर में ये एग्जाम होगा, नीट यूजी एग्जाम को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जाफर बालोद और दंतेवाड़ा में परीक्षा आयोजित होगी और 11 बजे परीक्षा हॉल में प्रवेश छात्र कर पाएंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा होने जा रही है। नीट यूजी की परीक्षा होने जा रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, नीट यूजी एग्जाम आज होने जा रहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दो सेंटर में ये एग्जाम होगा, नीट यूजी एग्जाम को लेकर यह बड़ी खबर, जहां पर आज नीट यूजी एग्जाम होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ के दो सेंटर्स में ये एग्जाम होगा। तो बड़ी जानकारी, बालोद और दंतेवाड़ा में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित होगी और 11 बजे परीक्षा हॉल में प्रवेश होगा। तो छात्रों को 11 बजे परीक्षा हॉल में प्रवेश मिलेगा और एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर छत्तीसगढ़ के दो सेंटर में नीट यूजी का एग्जाम होगा, बालोद और दंतेवाड़ा में यह परीक्षा आयोजित होगी। 11 बजे परीक्षा हॉल में छात्र प्रवेश कर पाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि ये एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। 2 बजे से शाम 5:30 तक ये परीक्षा चलेगी और छात्रों को 11 बजे सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। नीट यूजी एग्जाम को लेकर यह बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें आज नीट यूजी एग्जाम होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ के दो सेंटर्स में नीट यूजी का एग्जाम होगा। तो बालोद और दंतेवाड़ा में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित होगी और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 11 बजे परीक्षा हॉल में प्रवेश कर पाएंगे छात्र और ये एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 तक चलेगी और छात्रों को 11 बजे प्रवेश दिया जाएगा। नीट यूजी की परीक्षा आज होने जा रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीट यूजी एग्जाम आज होगा और साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दो सेंटर्स में ये एग्जाम होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ रवि हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, आज नीट यूजी का एग्जाम होने जा रहा है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ गाइडलाइन? देखिए बता दूं मैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, पूरे देश भर में 1563 बच्चों को जो नीट के एनटी के द्वारा जो ग्रेस मार्क दिए गए थे उसको रद्द करके फिर ये दोबारा परीक्षा यहाँ पे आयोजित की है, जिसमें बालोद जिले के 185 बच्चे भी प्रभावित थे। आज बालोद जिले में आपको बता दूं कि दल्ली राजरा में सेंटर यहाँ पे बनाया गया है डीवे स्कूल को, जहां पे जो पूर्व में जो बालोद सेंटर में जो गड़बड़ी का जो मामला आया था, परीक्षा जो यहाँ पे गड़बड़ी को लेकर काफी ज्यादा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, जिसको लेकर पालकों ने हाई कोर्ट में भी याचिका यहाँ पे दायर की थी, जिसको लेके आज दोबारा नीट के द्वारा यहाँ पे एनटीए के द्वारा यहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है नीट की, जिसमें 185 जो बच्चे हैं यहाँ पे शामिल होंगे। आपको बता दें कि 11 बजे का समय निर्धारित किया है, 11 बजे बच्चों को वहाँ सेंटर तक वहाँ पे पहुंचना होगा। इसके साथ ही जितनी जो वहाँ पे जो गाइडलाइन है, जो एनटीए का जो गाइडलाइन है उसको पूरा पालन करना होगा। इसके साथ ही दो पालियों मतलब दो इनकी जांच की जाएगी, जांच के बाद दो बजे से इनकी जो परीक्षा है वो आयोजित होगी और साथ ही ये परीक्षा 5:20 में खत्म होगी। जी रवि, लगातार पेपर लीक के मामले भी सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर सेंटर पर किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर?
तो में गड़बड़ी का जो मामला आया था यहाँ पे, दोबारा प्रश्न पत्र देने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी, जिसको लेके अब जो जिला प्रशासन है वो भी यहाँ पे लगातार निगरानी रखे हुए है, और साथ ही जो सिटी कोऑर्डिनेटर है, जो केंद्र अध्यक्ष है, इनको भी यहाँ पे बदला गया है। जो सिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो अन्य जिले से यहाँ पे आ रहे हैं, और साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रवि जानकारी के लिए। नीट यूजी की परीक्षा आज होने जा रही है और छात्रों को 11 बजे सेंटर में प्रवेश मिलेगा, और ये परीक्षा 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी।